फ्रेंड्स नमस्कार, और आज फिर मैं आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेने। और इतना कमाल का मंजर तैयार हो रहा है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, पीछे मेरे काम चल रहा है और खुले रग का जो कहलाता है खुले बल का मंजा इतना शानदार तैयार किया जा रहा है। मैं आपको लेके चलता हूँ मंजे के पास और कारीगर के पास जो ये मंजा तैयार कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल को दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके अच्छे अच्छे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और जो लोग पुराने हैं इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहें। मैं आपको लेके चलता हूं मंजे की तरफ, तो दिखाता हूं कितना शानदार मंजा तैयार हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे आसिम भाई हैं जो 7-स्टार मंजा अपना तैयार कर रहे हैं और लुद्दी पे हाथ चला रहे हैं। देखिए कितना हाथों को इन्होंने कवर कर रखा है ताकि हाथ कटते रहते हैं, थोड़ा सा बचाव हो सके, फिर भी नहीं बच पाते हैं। तो आसिम भाई कौन सा मंजा तैयार करा रहे हैं? ये डबल कोट फ्लोर बन रही है। डबल कोट 7-स्टार बना रहे हैं आप 1-2-3 पे वर्धमान की? 1-2-3 पे, और सब अपने हाथ से काम होता है। सब अपने हाथ से ही काम होता है। आप मेन कारीगर यहाँ के हैं? जी। अच्छा, ये रहा भाई का ब्लॉग, और सामने आप देख रहे हैं सुताई भी यही कर रहे हैं। इनका ये ब्लॉग 7-स्टार के नाम से है, इस पे इनका कांटेक्ट नंबर है, तो आप इस नंबरों पे कांटेक्ट करके इनसे मंजा भी मंगा सकते हैं। जो कि स्टार्टिंग रेट तो काफ़ी कम है, लेकिन वही है कि आप बात करके इनसे मंजा मंगाइए, रेट ये खुद ही बताएंगे। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि 1-2-3 का रेट आजकल डोर का रेट जो है ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण जो है मंजे का कोई एक रेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी इनकी डोर जो है लगभग 2100 से स्टार्ट है, 12 रील का चरखा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसकी क्वालिटी आप देखिए कितनी शानदार है, और ये सारा खुले बल का मंजा ये बना रहे हैं। आप देखिए इसमें रग फटा हुआ है और बीच बीच में सफ़ेद मंजा भी आपको चमक में आ रहा होगा मेरे हाथ पे, और मैं ऐसे करके आपको दिखाता हूँ, ऐसे करके ये देखिए, देखिए कितना शानदार मंजा खुले बल का ये बना रहे हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे लग रही है। बाकी तो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा क्वालिटी कितनी शानदार ये बना रहे हैं। और देखिए सब भाई लगे पड़े कितनी मेहनत से भाग रहे हैं। अभी मैंने इनका आपको दिखाया था, ये लुद्दी तैयार कर रहे थे, उसमें मटेरियल मिला रहे थे, बहुत ही शानदार अच्छी डोर तैयार कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई कॉन्टेक्ट करे तो आप उसको मंजा दिलवा सकते हैं? जी क्यों नहीं, माया किसके लिए बना रहे हैं? मंजा आपका कहाँ कहाँ जाता है? माया तो अलहमदिल्ला सब तरफ, पूरी इंडिया में कहीं पे भी कोई मांगेगा आप उसको दे देंगे? सब जगह पहुँच जाएगा। पर रेट अपने हिसाब, मतलब कि जो भी बात करेगा रेट तभी आप उसको बताएंगे कि ऐसे क्या चल रहा है? धागा देख रहे हैं आप कितना महंगा हो रहा है जी, जैसा कि कारीगर कह रहे हैं कि धागा काफ़ी महंगा हो रहा है, ऑनलाइन हर दिन जो है रेट ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, आज मांझे का रेट जो है 2000 से 2100 करीब है, आप मान के चलिए। तो आप जब भी मांगेंगे तो हो सकता है यही रेट मिले अगर धागे का रेट होगा, और हो सकता है रेट बढ़ जाए तो उसके हिसाब से आपको रेट मिलेगा। पर मांझा बहुत अच्छा बना रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। भाई का ब्लॉग और चरखा, और जैसा कि आप डोर की क्वालिटी देखें, बहुत ही शानदार डोर है इनका ये नंबर, और इनका ये डबल कोट मांझा के नाम से 7-स्टार तैयार हो रहा है, और अच्छी क्वालिटी में मांझा तैयार कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा धागा भी खोल के दिखाता हूँ, ये आप देखिए इसका, इसकी कड़कपन देखिए, इसका कड़कपन देखिए कितना शानदार है, और बिल्कुल एक एक रग खुली हुई है। मैं धूप में भी आपको दिखाऊं, धूप में कितना शानदार दिख रहा है मंजा, ये बढ़िया अच्छा मंजा तैयार करा रहे हैं और ठीक ठाक रेटों में है, ना ज़्यादा सस्ता कहेंगे ना ज़्यादा महंगा कहेंगे, पर मंजा अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छा मंजा है। अपडेट दिया, मंजा तैयार हो रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा मंजे की मैंने आपको कवरेज दिखाई, और बहुत ही अच्छा शानदार मंजा ये तैयार करा रहे हैं। बट रेट थोड़ा सा इनके जो है 2000-2100 के बीच में है, आप कांटेक्ट करके इनसे पता कर सकते हैं, सही से रेट नहीं खोल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा मंजा ये तैयार कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको रिक्वायरमेंट है ये भी कमेंट करिएगा। तो मैं फिर मिलूँगा आपसे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।